मैं पूर्व राज्यपाल व पूरे देश की जनता की आवाज माननीय सत्यपाल जी मलिक साहब का पूरे विश्वविद्यालय परिवार और समस्त छात्र शक्ति की तरफ से स्वागत करता हूं। साथ ही किसान और जवान की आवाज आदरणीय बड़े भाई लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर को जन्मदिन की बधाई की शुभकामना भी देता हूं और समस्त छात्र शक्ति की तरफ से स्वागत भी करता हूं। मंच पर लाडनू से प्रधान चेयरमैन साहब और मेरे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया डीएसडब्ल्यू डीन और मेरे गुरुजनगण मेरे सामने विराजमान है और प्रदेश के पूरे कोने कोने से जो आज मेरे पदभार ग्रहण समारोह में आप लोग पधारे उसके लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज ये मेरा पदभार ग्रहण कार्यक्रम वैसे तो राजस्थान विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि जैसे शपथ होती है उसके अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद में पदभार ग्रहण भी हो जाता है, लेकिन मैंने छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति से वादा किया था कि आपकी कई सालों से बनी हुई डिजिटल लाइब्रेरी जो प्रदेश की सबसे बड़ी और पहली लाइब्रेरी है उसका जब तक उद्घाटन नहीं होगा आपका भाई छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। तो मैं ये कार्यक्रम के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहला वादा मेरा पूरा करके समस्त छात्र शक्ति की सेवा में हाजिर हो रहा हूं। आज पहले भी स्टूडेंट्स के प्रत्येक मुद्दे पे कार्य में कर रहा था और इसी मौका पे भगवान कहते हैं ना संयोग और योग बना के भेजते हैं। बड़े भाई आदरणीय मुकेश जी का जन्मदिन और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसी दिन मेरा पदभार ग्रहण कार्यक्रम ये राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति सौभाग्यशाली है कि इन लोगों को मुकेश भाकर जैसा एक सेवक जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कई सालों तक गांव डाणियों से जो छात्र आते थे उनके चाहे काम हो चाहे उनके साथ कोई अन्याय हो तो सबसे पहले उनके साथ खड़े रहने वालों में बड़े भाई मुकेश भाकर का नाम जाना जाता है, जिसके पूरे प्रदेश के अंदर बतौर एनएसयूआई अध्यक्ष रहते हुए प्रत्येक स्टूडेंट के साथ मजबूती से काम करने की बात हो, जहां किसान और जवान की बात आती है वहां आज एमएलए रहते हुए भी ना अपने पद की चिंता करते हैं ना पावर की चिंता करते हैं, हमेशा छात्र शक्ति के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। मैंने आदरणीय बड़े भाई साहब को बताया था मुकेश जी को, मैंने कहा मलिक साहब किसानों की आवाज है और मैंने तो चुनाव जीतते मेरी जीत समर्पित की थी किसानों को, तो मेरा पदभार ग्रहण कार्यक्रम मैं मलिक साहब का आशीर्वाद लेके उसके बाद ही करूंगा। तो एमएलए साहब ने मैंने मलिक साहब से निवेदन किया था तो आदरणीय साहब ने बताया था कि भाई मेरा भी जीवन छात्र राजनीति के रूप से ही चालू हुआ है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। आप लोग किसान और जवान की बात करते हो और उनको मजबूती देने का प्रयास करते हो तो मैं तो आऊंगा। स्वास्थ्य भी साहब का थोड़ा ठीक नहीं था फिर भी आए, आज आप राजस्थान विश्वविद्यालय के परिवार के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि देश के अंदर इतने एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में 26 साल की उम्र के अंदर साहब एमएलए बने थे, तब से लेकर निरंतर जनता की सेवा करते आ रहे एक ऐसा व्यक्ति आज अपने बीच में अपने को आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं बारंबार आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा साहब कि हमारे बुलावे पे आप पधारे, हमारे को ऊर्जा मिलती है आपके आशीर्वाद। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जिस दिन से छात्र संघ अध्यक्ष बना था उसी दिन से आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चाहे सड़क की बात हो चाहे छात्र शक्ति के लिए बजट की बात हो ऐतिहासिक कार्य आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहा हूं, उसके लिए
मैंने बताया था, लोगों ने मेरे को कहा था पदभार ग्रहण कर लीजिए। मैंने कहा जब तक इस छात्र शक्ति के सामने मैंने जो वादे किए थे वो कार्य इनके लिए नहीं करूंगा तो फिर किस लिए अध्यक्ष बनाऊं, किस लिए छात्र शक्ति ने मुझे चुना है। तो मैंने यह तय कर लिया था कि लाइब्रेरी का उद्घाटन कराऊंगा। मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करने आए थे तो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने बताया था कि हमारे लिए गर्व की सौभाग्य की बात है आपने पधार के इस राजस्थान विश्वविद्यालय की, छात्र शक्ति को एक नई सौगात दी है जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति को शिक्षा के अंदर नए आयाम तक जाने के लिए मुकाम मिलेगा, वहां पढ़ने लिखने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात मानी थी कि मुझे समय तो लग गया पर उससे पहले लाइब्रेरी में मैंने एक यज्ञ भी करवाया था। मैंने कहा शायद कोई लाइब्रेरी में ऐसा दोष हो जो हवन कराने से दूर हो जाए। समाज छात्र शक्ति के साथ वो हवन किया था, उस हवन का एक ऐतिहासिक फैसला रहा कि उसके अगले ही दो दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन करना राजस्थान विश्वविद्यालय को नई सौगात देने का कार्य था। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, मैंने कसम खाई थी कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा के एम बड़े पटल अटल पे लेके जाना है। उसके अंदर माननीय कुलपति महोदय भी हमेशा जहां छात्र शक्ति की बात करता हूं उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और अहम निर्णय लेते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि संस्था का मुखिया राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, यह एक गर्व की बात है। ऐसे मुखिया भी कम ही मिलते हैं जो छात्र शक्ति के बारे में सोचते नहीं, तो आते हैं अपना समय पूरा करके निकल जाते हैं। डीएसडब्ल्यू डीन नरेश जी मलिक भी इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर देश और प्रदेश के साथ साथ उनका प्रयास ये चल रहा है कि विश्व से कई देशों से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए और इस राजस्थान विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, स्वागत भी करने चाहूंगा। एक राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आप लोगों को बताऊंगा कि कभी भी आइए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का मेरे लायक कोई काम हो तो सेवक के रूप के अंदर, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं तो भली भांति जानता हूं कि प्रदेश से आने वाले छात्र छात्राओं को क्या क्या समस्याएं होती है। उन समस्याओं को मैं हमेशा से जब एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में मैंने शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक मैं उसी बिंदु पे फोकस करके कार्य कर रहा हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति का भला हो और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। मैं आदरणीय मलिक साहब का बारंबार धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बड़े भाई मुकेश भाकर किसान और जवान की आवाज है जो, उनको फिर से आप सब लोगों की तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। इसके बाद में रक्तदान शिविर रहेगा, उसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है जिससे आप लोगों की रक्त की एक एक बूंद प्रत्येक जरूरतमंद के नसों के अंदर दौड़े और उन लोगों को एक नई ऊर्जा दे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन भाई निर्मल चौधरी जी, जिनका जोश और जुनून ये साबित करता है कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। और जिनके ऊपर मुकेश जी भाकर जैसे बड़े भाई का वरदस्त हो तो मार्ग और आसान और प्रशस्त